जापान में आई भारी तबाही, भूकंप के 21 झटकों से दहला देश, टूटे घर और सड़कों पर आई दरार, 7.5 तीव्रता के आए झटके। भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट, लोगों को ऊपरी स्थानों पर जाने के आदेश। जापान में 7.5 तीव्रता के जोरदार भूकंप के झटके आए, जिसके बाद सुनामी की लहरें उठने लगी। जापान के तटों पर 1.2 मीटर की सुनामी की लहरें टकराई हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक सोमवार को उत्तरी मध्य जापान में 7.5 तीव्रता का भूकंप के झटके दर्ज किए गए। रॉयटर्स मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जापान मौसम विज्ञान एजेंसी इंजुक्वाओ, निगाटा और टोयामा प्रांत में तटीय क्षेत्रों के जो इलाके हैं वहाँ पर सुनामी की चेतावनी दी गई है। मौसम एजेंसी के अनुसार भूकंप के कारण 5 मीटर तक की ऊंची लहरें इन प्रांतों पर दर्ज की जा सकती हैं और वहीं पर कुछ प्रांतों में साफ तौर पर देखी जा रही हैं। जापान में भूकंप की वजह से काफी कुछ बर्बाद हो चुका है, सड़कों पे दरारें आ चुकी हैं, लोगों के घर जर्जर हो चुके हैं, लोग घरों में दरे सहमे रुके हुए हैं। वहीं बहुत जो तटीय इलाके हैं वहां से लोग अपने घर छोड़कर बाहर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जैसे आप साफ तौर पर तस्वीरों पे देख रहे हैं कि घर टूटकर बिखर चुके हैं, सड़कों पे दरार नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने सभी लोगों को जो तटीय इलाके हैं वहां से लोगों को खाली कर ऊपरी पर जाने के लिए कहा है। आपको बता दें कि जो प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र है उसने कहा कि जापान तट पर भूकंप से 300 किलोमीटर यानी कि 190 मील के भीतर खतरनाक सुनामी की लहरें संभव हैं। जेनम के अनुसार जापान के मुख्य द्वीप हुंज में जापान सागर की ओर से स्थित नाटो क्षेत्र में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी शुरुआत हुई थी भारतीय समय अनुसार 4:06 पर। ये तीव्रता काफी तेज थी, उसके बाद ये तीव्रता बढ़ती गई। तो फिलहाल आप भी प्रार्थना करिए भगवान से कि जापान में लोग सुरक्षित रहें और किसी तरह से उनकी जान बचती रहे, जान माल का नुकसान न हो। और ऐसी खबरों के लिए जनसत्ता को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।